संदली नैनो में तेरा नाम सजना संदली नैनो में तेरा नाम सजना संदली संदली नैनो में तेरा नाम सजना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो मेकअप लुक मैंने ट्राई किया है वो है इंडो वेस्टर्न। तो चलिए मेकअप को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है कलर बार का प्राइमर, परफेक्ट मैच प्राइमर। ये हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है और बहुत ही अच्छा स्मूथ फिनिश लुक देता है। उसके बाद मैंने फाउंडेशन के लिए यहाँ पर ट्राई किया है बैटन वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन और मेरा शेड है गोल्डन विंग। और मुझे ये फाउंडेशन बहुत पसंद आया क्योंकि कम बजट में अगर आपको इतना अच्छा फाउंडेशन मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अपने बेस को ब्लेंड किया है। आप चाहे तो किसी ब्रश की मदद से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि जो मेरा मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और काला भी ना पड़े। मैं इसको नेक तक अच्छी तरीके से लगा लूँगी। और कंसीलर के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पर मेबलिन का फिट मी कंसीलर और मेरा शेड है 25 मीडियम। ये बहुत अच्छा कंसीलर है, ये आपको फुल कवरेज देता है, आपके जो ब्लैक स्पॉट और डार्क पोर्शन है उसको अच्छी तरीके से हाइड कर देता है। इसको भी मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ताकि मेरा आई लुक जो इसके बाद लगाऊंगी मैं आई शेडो वो बहुत अच्छा लगे। तो हम इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसको फॉरहेड पे, अपनी नोज़ पे और जो भी डार्क एरिया मुझे लग रहा है वहाँ पर भी मैं इसको लगा लूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर से हेल्प से मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं मेरे फेस पे जो कोई भी स्पॉट हैं तो वो भी हाइड हो गए हैं, एकदम मेरा फेस क्लियर लग रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छा कवरेज देता है। आप अपने बेस को अच्छी तरीके से ब्लेंड करें ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। और मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पर लैक्मे का रोज पाउडर। ये लूज पाउडर है, बहुत ही अच्छा पाउडर है था और अच्छे से मेकअप को सेट कर देता है और ये भी आपके बेस को लॉन्ग लास्टिंग रखता है। मैं इससे अपना कंसीलर आई पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया तो उसको भी अच्छी तरीके से मैं इसको सेट कर लूँगी और अपनी नेक तक इसको अप्लाई करूँगी और जो एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट है मैं उसको रिमूव कर लूँगी। उसके बाद मैंने हिलेरी रोडा की पैलेट यूज़ की है और इसमें बहुत ही लाइट येलो ब्राउन कलर है, उसको अपनी क्रीज लाइन पे मैं ब्लेंड करूँगी एक ब्रश की मदद से। अच्छे से अपनी दोनों क्रीज लाइन पे इसको ब्लेंड कर लूँगी, थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लेके उसी जगह में ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरा जो आई लुक है और जो क्रीज लाइन है वो अच्छे से डिफाइन हो और बहुत अच्छा लगे। इसके बाद मैंने NYV का जो काजल है, ये ब्राउन थोड़ा स्पार्कल काजल है, इसको मैंने एज अ आई शेडो यूज़ किया है। तो इसको मैं अपनी जो आई लिड है उस पर हाफ कट क्रीज आइज पे इसे मैं अप्लाई कर लूँगी। अच्छी तरीके से लगा लें। आप चाहें तो इसे अगर कुछ और भी आई शेडो नहीं लगाना चाहते हैं तो सिर्फ ब्राउन पेंसिल को भी एज अ आई शेडो लगा के आप जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक देता है। थोड़ा जो मेरा आउटर कॉर्नर है उसको डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक आई शेडो, ये डार्क ब्लैक नहीं है लाइट ब्लैक है, तो इसको मैंने ब्रश की मदद से लगाया है और अपनी क्रीज लाइन तक इसको लेके गई हूँ। इससे क्या होता है आपके आईज़ भी काफ़ी बिग दिखती हैं और आपकी आईज़ बहुत सुंदर भी दिखती हैं। उसके बाद मैंने लाइनर के लिए यूज़ किया है NYV का लिक्विड लाइनर, बहुत ही अच्छा लाइनर है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि अगर कोई वीडियो रिक्वेस्टेड है, कोई सजेशन हो मेरे लिए तो वो ज़रूर बताया करिए। अब मैंने आईब्रो डिफाइन करने के लिए आईब्रो पेंसिल ली है। ये आईब्रो पेंसिल कोई ब्रांड नहीं है, ये एक लोकल मार्केट से ली हुई पेंसिल है, आई थिंक 25 या 30 रुपीज़ की मैंने इसको बाय की थी, तो इसी को मैं आज लगाऊंगी। और इससे भी देखिए एकदम नेचुरल फिनिश देगी मेरी आईब्रो, मैं अच्छे से इसको अपनी आईब्रो पर लगा लूँगी।
ये सस्ती ज़रूर है लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग है और स्मच प्रूफ भी है। उसके बाद मैं अपनी आईब्रो को मर्ज करने के लिए एक मर्जर ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईब्रो को मर्ज कर लूँगी ताकि मेरी जो आईब्रो है वो एकदम नेचुरल लगे। अब तो मेकअप पसंद आ ही गया होगा तो अब तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और बेल आइकन को हिट भी कर लीजिए। इसके बाद मैंने अपनी चीक्स को कंटूर करने के लिए बेट एंड वाइल्ड का कंटूर यूज़ किया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको अपनी चीक्स पे और अपने फॉरहेड पे और अपनी नोज़ को भी एक पतली ब्रश की हेल्प से कंटूर कर लूँगी ताकि मेरी जो नोज़ है वो शार्प दिखे काफ़ी। जिनकी नोज़ बहुत ही बड़ी है या फिर उसका शेप थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो फिर वो भी इससे अपनी नोज़ को काफ़ी पतला दिखा सकते हैं कंटूर की हेल्प से। उसके बाद मैंने ब्लशर यूज़ किया है। ब्लशर मैंने यूज़ किया है मिस रोज का, इसमें 4 कलर ब्लशर है तो मैंने पिंक आज ब्लशर यूज़ किया है। इससे मैं अच्छी तरीके से अपनी चीक्स को ब्लश कर लूँगी। और फिर मैंने हाइलाइटर के लिए यूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन का प्रो इल्यूमिनेट हाइलाइटर। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये हाइलाइटर और एक शटल सा ग्लो देता है तो मैं इसको अपनी चीक्स पे लगा लूँगी। उसके बाद मैं इसको अपने फॉरहेड पे, नोज पे और अपनी लिप्स का जो पार्ट है वहाँ भी लगा लूँगी। उसके बाद मस्कारा के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पर मेबलिन का कर्लिंग मस्कारा और आज मैं फॉल्सिस से पहले मस्कारा लगा रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे आप बाद में क्यों लगाते हैं, तो मुझे बाद हो या पहले दोनों से मुझे मतलब होता है कि हमारी जो आईलेसेस है फेक आईलेसेस जो हम अप्लाई करते हैं वो नेचुरल दिखे, तो मैं इसलिए मैं पहले भी लगा लेती हूँ बाद में भी लगा लेती हूँ। और मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे भी लगाया है। और काजल मैं यूज़ कोई ब्लैक काजल यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो ब्राउन मैंने आई शेडो की तरह यूज़ किया था NYV का उसी को एज अ काजल यूज़ कर रही हूँ। और नीचे भी मैं कोई काजल नहीं लगा रही हूँ, बस जो लाइट शेड मैंने अपनी जो आईलिड पे अप्लाई किया था क्रीज लाइन पे वही मैं यहाँ पर लगा लूँगी, उसका डार्क कलर भी मैं यहाँ पर लगाऊँगी। आज कोई काजल यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंट आई लुक दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है। पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो क्रीज लाइन आउटर कॉर्नर पर जो लगाया था ब्लैक कलर वो भी मैं यहाँ पर लगाऊँगी। जो आई का इनर कॉर्नर उसको भी हाईलाइट कर लेंगे, तो इसके लिए भी मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का हाईलाइटर ही यूज़ किया है। और ब्रो बोन का मेरा वीडियो यहाँ पर स्किप हो गया था तो ब्रो बोन पे भी मैंने हाईलाइटर लगाया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिपस्टिक यूज़ किया, लिपस्टिक का भी आई थिंक कोई कलर की उनकी लिपस्टिक है और ये भी मैंने लोकल मार्केट से ली थी तो इसका मैंने रेड कलर यूज़ किया है अपने लिप्स पे, बट ये मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि मुझे इंडो वेस्टर्न लुक ट्राई करना था तो बहुत ज़्यादा डार्क हो रही थी। उसके बाद मैंने अमस्तर की लिपस्टिक लगाई है, इसका भी बायलिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इनफैक्ट सारे प्रोडक्ट का मैं बायलिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आज क्या क्या बोल रही हूँ मैं। उसके बाद NYV का मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाया है और मेरा मेकअप सेट हो गया है और ये है मेरा फाइनल लुक। और आप लोग बोलते थे ना कि फुल ड्रेस में आप फोटो नहीं डालती है, तो आज मैंने फुल ड्रेस का भी अपना फ़ोटो डाला है। आई होप आपको पसंद आया हो, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।